भारत किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बनकर उभर रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें एप्पल के इंडिया रेवेन्यू में देखने को मिलता है। दरअसल भारत में एप्पल का बिजनेस अब 50,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को छूने के करीब है। बता दें कि साल 2022 से 23 में कंपनी की सेल्स करीब 48% बढ़कर 49,321 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं इसी दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 76% बढ़कर 2229 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी को दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 5 साल में भारत में एप्पल के नेट प्रॉफिट में इस साल सबसे ज्यादा ग्रोथ आई है। साथ ही आपको बता दें कि 2023 की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि एप्पल का लक्ष्य भारत को अपने कुल प्रोडक्शन में लगभग 25% का योगदान देना है, जो फिलहाल 5 से 7% से ग्रो कर रहा है। वहीं एप्पल ने भी मार्च में लगभग $6 बिलियन की रिकॉर्ड बिक्री हासिल की थी। साथ ही आरओसी के अनुसार एप्पल इंडिया की आय का करीब 94% प्रोडक्ट बेचने से आता है, जबकि 5.4% मेंटेनेंस और सर्विसेज से आता है। बता दें कि एप्पल ने अभी तक भारत में अपने सर्विसेज बिजनेस का विस्तार नहीं किया है और जिसके बावजूद भी उनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स में बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही अब एप्पल टाटा ग्रुप के साथ मिलकर भारतीय बाजार और दुनिया भर के ग्राहकों के लिए भारत में आईफोन बनाना शुरू करेगा। बता दें कि टाटा ग्रुप भारत में आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, क्योंकि विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन अपने एक प्लांट को टाटा ग्रुप को बेचने पर सहमत हो गया है, जिसके बाद टाटा ग्रुप अब देश में आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। हालांकि देखना होगा कि क्या देश में आईफोन्स बनने से हमें भारत में आईफोन्स के प्राइसेस में कुछ कमी देखने को मिलती है या नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।